आज मैं ऐसे स्टॉक के बारे में बात करूंगा जिसका संबंध कभी ना कहीं आपका और हर दिन हो सकता है। जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं उसमें हर दिन और हर मिनट आप उस प्रोडक्ट का कहीं ना कहीं उस कंपनी से ताल्लुक रखते हैं। हो सकता है वो कंपनी आपके मतलब 4 में से 1 प्रोडक्ट आप उसका यूज करते हो, और ये प्रोडक्ट ऐसा है जैसा मैंने टाइटल में लिखा है कि कंपनी, मतलब कहने का मतलब यह है कि स्कूल खुलते ही दौड़ पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आप तो अंदाजा लगा चुके होंगे कि ये सब प्रोडक्ट जो है वो कहीं ना कहीं स्कूल की स्टेशनरी से संबंधित रखता है। और जैसा कि मैंने बताया कि और ये आपके बचपन की यादों से जुड़ा होगा, और कहीं ना कहीं आपने इस प्रोडक्ट को यूज किया होगा। और ना तो ये प्रोडक्ट किसी यूनिफॉर्म के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, मतलब किसी ब्रांडेड कंपनी के बारे में कि वो शर्ट्स और यूनिफॉर्म्स बनाती है या कोई ऑनलाइन एग्जाम कराती है, ऐसी कंपनी के बारे में बात नहीं करूंगा। बात करूंगा कि कहीं ना कहीं वो आपके प्रोडक्ट से रिलेट करता है और आपकी पर्सनालिटी से रिलेट करता है। जी हाँ, चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं अपने इस इमेजेस के ऊपर। तो आपको इमेजेस देख करके जरूर याद आ गया होगा, मैं बात कर रहा हूँ कैमलिन कंपनी के बारे में। और ये कंपनी ऐसी है कि आपने कहीं ना कहीं इस कंपनी का प्रोडक्ट बचपन में स्केच बनाते वक्त या फिर आपने इसका पेन जरूर यूज किया होगा, और ये आपके बचपन से लेकर के अभी तक हो सकता है आप, क्योंकि कंपनी पेन भी बनाती है। तो अभी कंपनी के साथ में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो प्रॉब्लम्स जो थी वो कम से कम जो लॉकडाउन के बीच में थी, लॉकडाउन में स्कूल्स बंद हो गए थे, स्कूल कॉलेज खुल नहीं रहते हैं, और अभी होपफुली अनलॉक जो आया है, अनलॉक के बाद ये पूरी पूरी उम्मीद हो गई है कि स्कूल खुल जाएगा और ऑनलाइन एग्जाम्स हैं वो सारे के सारे जो होंगे। उसके अलावा और ये स्टॉक ने ब्रेकआउट देना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए हम लेकर के चलते हैं कंपनी के चार्ट के ऊपर। देखिए, कंपनी का चार्ट मैंने आपके सामने लगा रखा है और कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो काफी कम है, आज की डेट में 64 रुपीज के आसपास है। और जो मैं मूविंग एवरेज की बात करूं तो इसने 200 दिनों का और भी मूविंग एवरेज तोड़ दिया है। 200 दिनों के मूविंग एवरेज से ऊपर काम भी चल रहा है। ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज कैलकुलेट होकर के आता है 60 रुपीज पे, और 100 दिन का मूविंग एवरेज कैलकुलेट होकर के आता है 57 रुपीज पे। तो इसने दोनों को ब्रेक कर दिया है और ये उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अभी इसकी संभावना है कि ये और ऊपर जाएगा, क्योंकि कंपनी के पास जितनी भी बुरी खबरें आनी थी वो आ चुकी है, इतना बुरा वक्त निकल चुका है और कंपनी अपने स्टेशनरी की सप्लाई शुरू करने वाली है हर स्कूल्स में, हर कॉलेज में। और कुल मिलाकर के बताएं कंपनी एक अच्छे फॉर्म में है। अगर इसने अपना ब्रेकआउट दिया तो ये कंपनी का स्टॉक कम से कम 2 गुना आपका पैसा कर सकता है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप लेते हैं तो कम से कम ये आपको 90 रुपीज का तक इसके लेवल देखने को मिल सकते हैं। वो 90 रुपीज कैसे, कम से कम आप इसको दिसंबर या जनवरी तक इसको होल्ड करेंगे तो कंपनी के पास जो है अगर जो अनलॉक जो कंटिन्यू होता है और उसके बाद जो इसमें विंटर सेशन आता है, विंटर सेशन तक अगर आप इसको रोक के रखते हैं तो ये जरूर आपको 90 रुपीज के आसपास दिखेगा। यानी 90 रुपीज का मतलब ये है कि यहाँ से अभी 64 या 65 के लेवल को हम काउंट करते हैं तो यहाँ से आप कम से कम 30-35% ग्रोथ आपको देखने को मिल जाती है। चलिए कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स और कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी के जो की पर्सन है दिलीप गंडेटकर है, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो कंपनी की जो शुरुआत बहुत ही पुरानी हुई थी, 1931 की शुरुआत है, और कंपनी को अभी जैपनीज कंपनी ने सबसे जिसका नाम है कोकू, जो भी मैं आम नाम नहीं ले पा रहा हूँ आप पढ़ लीजिएगा। तो कंपनी एक्चुअली इंडियन कंपनी है कैमलिन लिमिटेड, बट उसके आगे जो नाम लिखा है कोको यूओ, तो ये जैपनीज सब्सिडरी कंपनी है, उन्होंने इसके साथ टाई अप कर लिया है। तो अब ये दोनों मिलकर के एक कंपनी ब्रांड बन गया है, कोको यू MCLN, ठीक है। तो कंपनी की जो कंपनी के बारे में बात करें, कंपनी ने जो 1986 के आसपास एक कैमल फाउंटेन पेन आता था, आपने हो सकता है वो पेन को जरूर यूज किया हो, तो उस कंपनी का जो ब्रांड था वो फाउंटेन पेन, वो सबसे पहले इस कंपनी ने ही बनाया था। तो उस कंपनी उस पेन का जो ब्रांड था वो भी काफी फेमस था। तो कुल मिलाकर के देखें कंपनी की अच्छी पास्ट रिकॉर्ड काफी अच्छा है, काफी पुरानी कंपनी है, मतलब ऐसा नहीं कि ये नई कंपनी हो, और 1931 की फाउंडेड कंपनी है और ये स्टेशनरी में मार्केट लीडर है। अभी ये स्टॉक आपको काफी अच्छे डिस्काउंट रेट में मिल रहा है, अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो इसको वॉच करिए, ट्रैक करिए, और
और शॉर्ट टर्म के लिए आप पोजीशन बनाए तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए 90% तक के लेवल, सॉरी 90 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, यानी 30-30% तक का लेवल देखने को मिल सकता है। और पोजीशन बनाने से पहले आप किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लें, मेरा वीडियो देख करके पोजिशन ना बनाए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशन बनाते हैं तो आप जरूर किसी न किसी से एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ आप मेरे लिंक के जरिए डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, क्योंकि आपको मिलेगा फिर उसको शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेडिंग से संबंधित वो सारी जानकारी जो आपको लाखों रुपए ट्रेड करके भी नहीं मिलती, यहाँ पर हम आपको देंगे वो सारी स्ट्रेटजी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मार्केट को समझता है पैसा तो बनता है। धन्यवाद।